Ladies and gentlemen, here we are with the 33rd मॉड्यूल ऑफ बिजनेस इनोवेशन प्रोसेस Let's अंडरस्टैंड बिजनेस इनोवेशन प्रोसेस बड़े गौर के साथ समझिए इनोवेशन पे हमने बहुत बात कर ली क्रिएटिविटी पे बहुत बात कर ली अब बात करेंगे बिजनेस इनोवेशन का सेंट्रल कनेक्शन है क्या पहला तो क्रिएशन है दूसरा डेवलपमेंट है और तीसरा इंप्लीमेंटेशन है किसका न्यू आइडियाज वो न्यू आइडियाज क्या है को मैं इफेक्टिवली इंटरवेंशन में ला सकता हूं डेवलपमेंट कर सकता हूं और इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूं द प्रोडक्ट और इनोवेशन और एनी प्रोडक्ट प्रोडक्शनल इनोवेशन मटेरियल इनोवेशन इंडस्ट्रियल इनोवेशन वो एवर सॉर्ट ऑफ इनोवेशन कुड बी जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगी और अपने रिजर्व्स और बेनिफिट्स के साथ नहीं आएगी इनोवेशन नहीं कहलाएगी प्रोसेस क्या है देखिए कंस्टेंट्स के ऊपर बात करेंगे कंसल्ट्रेशनल फैक्टर या कौन से कंसटेंट होते हैं आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तीन कंस्टेंट होते हैं पहला कॉस्ट टाइम एंड स्कोप अच्छा जी तीन कंस्टेंट तो यहां पर समझ में आ गए लेकिन जब हम किसी मॉडल के डिस्कशन पर बात करते हैं कि हमारा बिजनेस इनोवेशन प्रोसेस कैसा होगा तो उसके ऊपर हमारे पास कंस्टेंट दो तरह के आते हैं एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर के अंदर आपके पास क्या है? मेरे अच्छा, जैसे ही कोई भी लेजिस्लेचर चेंज होता है कैसे ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन uh, चेंज होता है पॉलिटिकल यानी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है वो अपना नए मैनिफेस्टो के साथ आती है और आपकी अमेंडमेंट्स करके आपकी बिजनेस अमेंडमेंट करती है आपकी पॉलिसीज में चेंज करती है आपकी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में चेंज कर देती है लार्ज लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में चेंज कर देती है टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह इस कई दफ़ा में आपने देखा होगा कि कई दफ़ा कई दौर ऐसे होते हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि डिजिटाइजेशन के ऊपर जीरो टैक्स कर दीजिए अच्छा टैक्स टू नेट जीरो रेट कर दिया जाता है किसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता है कहीं पर टैक्स कम कर दिए जाते हैं कई दफ़ा आपके ऊपर एक्सपोर्ट्स जो है एक जमाना ऐसा भी होता है कि कहीं पर आपकी एक्सपोर्ट जीरो कर दी जाती है कहा कह, कह तो फर्क आता है सो so, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को समझते हैं एक्सटर्नल रूल्स एंड मैंडेट एक्सटर्नल फोकस एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग उसके बाद एक मॉडल डिटर्मिन करते हैं जिसके ऊपर कहते हैं हम डाइवर्जेंट बिहेवियर और कन्वर्जेंट बिहेवियर इसको बड़े गौर से समझने की जरूरत है नंबर वन अचिंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू डायरेक्शन सेकेंड क्रिएटिंग न्यू एंड आइडियाजी थर्ड लर्निंग बाय डिस्कवरी चौथा प्लोस्टिक लीडरशिप पांचवा बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड पोरस नेटवर्क पांच छठा क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोलेक्टिव एडवांटेज रनिंग इन और इनको किस तरीके से स्टिमुलेट करना है यह मैंने आपको डाइवर्जेंट बिहेवियर्स बताए अब हम इसको याददाश्त के लिए कन्वर्जेंट बिहेवियर की तरफ आते हैं इसमें एन इंटीग्रेटिंग एंड नैरोइंग प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग अ गिवन डायरेक्शन वन दूसरे के अंदर वो कहता है कि इंप्लीमेंटिंग आइडियाज एंड स्ट्रेटीज लर्निंग बाय टेस्टिंग लीडरशिप एग्जीक्यूटिंग रिलेशनशिप इन एस्टैब्लिशिंग नेटवर्क्स

लेडीज एंड जेंटलमैन इस चीज को बड़े गौर से समझ लें आई ओ व्यू के मुताबिक इंडस्ट्रियल ओवर ऑर्गेनाइजेशन व्यू में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिसोर्स बेस्ड व्यू द मोस्ट पार्ट इन एवरी एस्पेक्ट वेदर इट इज टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन मटेरियल रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग सर्विस बुट्स इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज रिसोर्स बेस्ड व्यू उसके ऊपर जब मैंने आपको बताया कि आपने मॉडल को देख लिया इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स उनकी मैंडेट्स उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर उसकी स्ट्रेटजिक टेक्निक्स टूल्स एंड टेक्निक्स और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल पॉइंट्स की डिफरेंशिएशन शानदार स्ट्रेटजीज अगर 5% ऑफ टैक्टिक्स के ऊपर ना आए तो आप कंप्लीट स्ट्रेटजी को फेल करवा लेते आप कंप्लीट सक्सेस से दूर हो जाते आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो नाइनटी फाइव परसेंट जो है वो डिपेंड करता है आपके फाइव परसेंट पर आपका फाइव परसेंट जो है वो टेक्टिकल पार्ट है जब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर गोल्स की एग्जाम्पल लेते हैं फुटबॉल लास्ट पॉइंट तक लाने के लिए आपको पांच परसेंट के ऊपर जब वो टेक्टिकल पॉइंट पर आकर गोल करता है वही आदमी जो है वो मैक्सिमम अचीवमेंट लेता है असल पार्ट है गोल करना पूरी स्ट्रेटजी नाइनटी फाइव परसेंट तो डिपेंड तो करती है लेकिन अगर टेक्टिकल पार्ट वीक रह जाता है तो आपका पूरी स्ट्रेटजी वीक हो जाएगी और अगर आप दोनों को स्टिमुलेट नहीं कर पाते तो आप बुरी तरीके से नाकाम हो जाते तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए याद रखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि आप कुछ भी काम शुरू करें और शुरू होता जाएगा आप याद रखिए कि मिडल ऑफ समथिंग आपको बड़े नुकसान होंगे आपका सारा का सारा वो जो आ, आ, वो जो माचोइजम है वो सारा का सारा बैक डाउन हो जाएगा और आपकी वो जो हीरो हेरो स्टाइल है कि मैंने यकदम बिजनेस के अंदर बड़ा कमाल कर दिया था वो पूरी तरह से डूब जाएगा मार्केट में ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी कि यकदम आप बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दे याद रखिए इकोनॉमी से दूर रहिए और स्ट्रक्चरल इकोनॉमी की तरफ गौर कीजिए हमें स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए पढ़ना होगा और बगैर पढ़े आप कोई भी किसी किस्म का आइडिया जनरेट नहीं कर सकते थैंक यू वर मच